हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अर्जुन उवाच। कर के कृपा जो आपने दिया मुझे उपदेश, नष्ट हुआ अज्ञान सुन मोह रहा नहीं शेष, हरि आभार विशेष। क्योंकि है कमल नेत्र आपसे सुनी है मैंने, भूतों की उत्पत्ति व प्रलय विस्तार से, आप ही कैसी मुख से अवगत हुआ हरि, आपकी ही अविनाशी महिमा पार से। परमेश्वर अपने को आप जैसा कहते हैं, साम्य उस कथन का गुण मणिहार से, किंतु देखने की इच्छा आप दृश्य जगत में, हुए हैं प्रविष्ट कैसे कौन से प्रकार से। ज्ञान वो जो करे हर प्रश्न का निदान, ऐश्वर्य ऐसा जिसमें के ईश्वर झलकता, शक्ति वो अपरिमित, बल ऐसा अतुलित, किसी का विवेक जिसे बांप नहीं सकता। अक्षय वीर्य और तेज अनंत ऐसा लेके जिसे सारा ब्रह्मांड दमकता, रूप वो अनूप निज नैनों के समक्ष देख, पाँव में प्रत्यक्ष यही काम न रखता। यदि आपका वह रूप दर्शन शक्य है इस दृष्टि से, तो कीजिए कृत कृत्य मुझको प्रभु कृपा की वृष्टि से। वह रूप जो अभिनव अलौकिक अमित अविनाशी, प्रभु की जय प्रकट मुझ पर दरस कर, जन्म फल पाऊं विभो की जय प्रकट मुझ पर दरस कर, जन्म फल पाऊं विभो। पार्थ तू है मित्र मेरा, मान अनुरोध तेरा, अगणित रूप तुझे अब मैं दिखाता हूँ। सैकड़ों सहस्र कोटि वर्ण और आकृति के अद्भुत अलौकिक रूप दिखाता हूँ। पार्थ अवलोकनार्थ आदित्य अर्थात बारह आदित्य के पुत्रों को सन्मुख लाता हूँ। अष्ट वसु एकादश रुद्र अश्विनी कुमार, 49 मरुत गण तुझसे मिलाता हूँ। श्री भगवान वाच। अचरजकारी नहीं देखे जो मित्र, अब उनको भी देख तू, पार्थ सजीव सचित्र। अर्जुन मेरे शरीर में स्थित अब एक ही स्थान, सकल चराचरमय जगत देख मुझे पहचान, सर्वमय भगवान। इन नैनों में सामर्थ्य नहीं है उन रूपों के
दर्शन की ले दिव्य नेत्र जो क्षमता रखते दिव्य रूप अवलोकन की इन नैनों से तू ईश्वरीय मम योग शक्ति के दर्शन कर मैं भूतेश्वर मैं योगेश्वर मैं विश्वेश्वर मैं सर्वेश्वर। संजय वाज। सुनिए कुरु सम्राट ऐसा कहे भगवान ने अपना रूप विराट दिखलाया प्रिय पार्थ को कुरु सम्राट ऐसा कहे भगवान ने अपना रूप विराट दिखलाया प्रिय पार्थ को। अर्जुन उवाच। कर के कृपा जो आपने दिया मुझे उपदेश नष्ट हुआ अज्ञान सुन मोह रहा नहीं शेष हरि आभार विशेष। क्योंकि है कमल नेत्र आपसे सुनी है मैंने भूतों की उत्पत्ति व प्रलय विस्तार से आप ही के श्रीमुख से अवगत हुआ हरि आपकी ही अविनाशी महिमा पार से परमेश्वर अपने को आप जैसा कहते हैं साम्य उस कथन का गुण मणिहार से किंतु देखने की इच्छा आप दृश्य जगत में हुए हैं प्रविष्ट कैसे कौन से प्रकार से ज्ञान वो जो करे हर प्रश्न का निदान ऐश्वर्य ऐसा जिसमें के ईश्वर झलकता शक्ति वो अपरिमित बल ऐसा अतुलित किसी का विवेक जिसे बाँप नहीं सकता अक्षय वीर्य और तेज अनंत ऐसा लेके जिसे सारा ब्रह्मांड दमकता रूप वो अनूप निज नैनों के समक्ष देख पाऊं मैं प्रत्यक्ष यही काम न रखता यदि आपका वह रूप दर्शन शक्य है इस दृष्टि से तो कीजिए कृत कृत्य मुझको प्रभु कृपा की वृष्टि से वह रूप जो अभिनव अलौकिक अमित अविनाशी प्रभु की जय प्रकट मुझ पर दर्श कर जन्म फल पाऊं विभो की जय प्रकट मुझ पर दर्श कर जन्म फल पाऊं विभो। पार्थ तू है मित्र मेरा मान अनुरोध तेरा अगणित रूप तुझे अब मैं दिखाता हूँ सैकड़ों सहस्र कोटि वर्ण और आकृति के अद्भुत अलौकिक रूप दिखाता हूँ
पार्थ अवलोकनार्थ आदित्य अर्थात बारह आदित्य के पुत्रों को सन्मुख लाता हूँ। अष्ट वसु एकादश रुद्र अश्विनी कुमार 49 मरुत गण तुझसे मिलाता हूँ। श्री भगवान वाच अचरज कारी रूप वे नहीं देखे जो मित्र अब उनको भी देख तू पार्थ सजीव सचित्र। अर्जुन मेरे शरीर स्थित अब एक ही स्थान सकल चराचर मय जगत देख मुझे पहचान सर्वमय भगवान। इन नैनों में सामर्थ्य नहीं है उन रूपों के दर्शन की ले दिव्य नेत्र जो क्षमता रखते दिव्य रूप अवलोकन की। इन नैनों से तू ईश्वरीय मम योग शक्ति के दर्शन कर मैं भूतेश्वर मैं योगेश्वर मैं विश्वेश्वर मैं सर्वेश्वर। संजय वाच सुनिए कुरु सम्राट ऐसा कहे भगवान अपना रूप विराट दिखलाया प्रिय पार्थ को। विश्वरूप अर्जुन ने देखा मन पे खिंची अचरज की रेखा अचरजमय अगणित मुखमंडल अगणित नेत्र दमकते झलमल कोटि भुजा दिव्यायुध मंडित दुष्टों के करने को दंडित दिव्य कलेवर पर सजी मालाएं देवी वस्त्राभूषण दिव्य हैं दिव्य छवि कमनी तेजोमय असीम मनहारी रूप विलोकत अजरजकारी एक रूप की अगणित प्रतियां सब पर्याय और सब गतियां जो कुछ लक्षित है ब्रह्मांडे वो सब कुछ झलके एक पिंडे रूप अलौकिक अन्यतम नहीं ऐसा अन्यत्र केशव माधव कृष्ण हरि यत्र तत्र सर्वत्र। यदि सूर्य कोटि प्रकाशमय नभ पर उदित एक संग अभिनव स्वरूप लिए प्रगट यदि कोटि कोटि अनंग उस परम पुरुष के तेज की समता करें संभव नहीं वह अपनी उपमाप है वैसा नहीं कोई कहीं वह अपनी उपमाप है
वैसा नहीं कोई कहीं। उस काल अर्जुन विश्वव्यापी रूप में भगवान के एक स्थान पाया देख अनुपम दृश्य वह हर स्थान के। वे दृश्य अनंत अनेक भागों में विभाजित हो रहे युग चार दस दिश काल तीन एक संग प्रकाशित हो रहे युग चार दस दिश काल तीन एक संग प्रकाशित हो रहे। तब मोहग्रस्त आश्चर्य चकित अर्जुन ने रोमांचित होकर कर जोड़ नवा कर शीश कहा अब पाहि माम हे परमेश्वर। हे कृष्ण आपकी काया में मैं देख रहा सब देवों को एक ही स्थान पर एकत्रित उन विविध प्रकार के जीवों को। मैं पद्मासीन जगत सृष्टा ब्रह्मा को सन्मुख देख रहा ऋषियों महर्षियों संग देखूं शंकर महादेव का तेज महा। मुझे दिव्य सर्प नाना वर्णों के स्पष्ट दिखाई देते हैं और दिव्य गरुड़ जी के पंखों से वेद सुनाई देते हैं। हे विश्वेश्वर विश्व रूप आश्चर्यमयी है आपकी देह अगणित चरण हस्त लोचन मुख शीश कर्ण उदरों का गेह आदि न मध्य न अंत आपका सर्वोमय सबसे है स्नेह आपके अखिलेश्वर निखिलेश्वर होने में न तनिक संदेह। कोटि कोटि जाज्वल्यमान तेजोमय रविसम आपका रूप चकाचौंध के कारण उस पर दृष्टि न ठहरेती हूँ जग भूप। केशव में सर्वत्र देखता यही अलौकिक रूप अनूप अगणित चक्र गदाओं मुकुटों से मंडित भगवान स्वरूप। कालातीत आप हैं केशव ज्ञानातीत आपका ज्ञान है ब्रह्मांडाधार आप ही आश्रित शरणागत के प्राण। अव्यय आप पुराण पुरुष हैं ऐसा कहते वेद पुराण मेरे मत से आप सनातन धर्म के पालक श्री भगवान। आदि मध्य अवसान रहित हैं अक्षय सुयश अनंत सहित हैं रखते आप असंख्य भुजाएं नेत्र युगल रवि शशि को ल जाएं। निकले मुख से अग्नि यूं जू नभ से मार्तंड जला रहा ब्रह्मांड को पावक प्रबल प्रचंड। यद्यपि आप हैं एक पर पृथ्वी जल आकाश और वहां भी व्याप्त जो
इनके मध्यवकाश। देख के अद्भुत रूप भयानक, थर थर कांपे तीनों स्थानक। सुर समूह तब है शरणागत, मुख में जाए सुरक्षा मांगत। सुर समूह होकर शरणागत, मुख में जाए सुरक्षा मांगत। उनमें कुछ मांगे अभय, विनय करें कर जोड़, पड़े आपकी शरण में सब देवों को छोड़। कहते हैं कल्याण हो सिद्ध महर्षि अनेक, वेद पाठ करते हुए दृष्टि रही उन्हें देख। शिव जी के विविध रूप स्वामी, आदित्यों का दल देख रहा। वसु साध्य संग विश्वे देवा, अश्विनी कुमार द्वय मरुत तथा। पितृगण यक्ष गंधर्व असुर, सिद्धों को अचरज भारी है। दुष्टों के लिए भयावह है, भक्तों को मंगलकारी है। हे महाबाहु मुख दृग जंघा, पग बाहु पेट और दांतों को, दांतों में उंगली दबा देखते। सब फैला कर आँखों को, उन्हीं की भांति विचलित होकर मैं रूप विराट बिलोक रहा। कोई भेद तुम्हारा क्या जाने, जब नेति नेति वेदों ने कहा। सर्वव्याप्त हे श्री नारायण, नाना रंगों के रंगायन। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, मोहित रूप विराट करे। ओ छूते हुए विशाल गगन को, फैलाए मुख और नयन को। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, मोहित रूप विराट करे। संतुलन ही रुचित अकुलाय, जगन निवास नाथ देवेश्वर, ओ प्रसन्न मुझ पर करुणा कर। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, मोहित रूप विराट करे। ओ देख के इन प्रलयाग्नि मुखों को, और विकराल तीक्ष
कृष्ण दांतों को। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कंपित रूप विराट करे। देख संतुलन खो रहा, लुप्त हो रहा ज्ञान, मोह ग्रस्त मुझ दीन पर दया करो भगवान। सुत जितने धृतराष्ट्र के प्यारे और सहायक के सारे, जैसे सागर मध्य समाए, वैसे ही आपके जलते मुखों में वीर समस्त समाते जाए। वेग से सारे लोग जनार्दन, वेग से जनार्दन आपकी ओर कुछ ऐसे धाएं। अपने विनाश को जैसे पतंगे दीप शिखा को लक्ष्य बनाएं, अपने विनाश को जैसे पतंगे दीप शिखा को लक्ष्य बनाएं। देखूं सर्व दिशा के लोगों को आप निगलते जाते, तेज से कर ब्रह्मांडा पूरित, जलती किरणों से झुलसाते। कोटि दिवाकर की आभा ले, दिवाकर की आभाले अपने रूप को हरि दर्शाते। अगणित ज्वाला मुखियों की ज्वाला देखूं आपके मुख से आते, अगणित ज्वाला मुखियों की ज्वाला देखूं आपके मुख से आते। देवेश कृपा कर मेरी विनती ध्यान में लाए, कितने उग्र रूप धारी हैं कौन ये भेद बताए। भय के सिंधु में भ्रम के भंवर से भगवान मुझे उबारे, करके कृपा प्रसन्न हो मुझ पर नमस्कार स्वीकारें। आप आदि भगवान हैं सक्षम सर्व समर्थ, विदित नहीं मुझे आपके बहु रूपों का अर्थ। क्या है प्रयोजन आपका,
मैं इससे अनजान, मुझ अनभिज्ञ को आपकी कैसे हो पहचान। समस्त जगतों का काल मैं हूँ, विनाश करने को सबका आया, जो पांडव अतिरिक्त उनके सबको बधेगी वन मृत्यु मेरी माया, बधेगी वन मृत्यु मेरी माया। अतः उठो लड़ो समर, यही तुम्हारा काम है, उठाओ धनु कमाओ यश, विजय तुम्हारे नाम है। समस्त अपने शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर, समस्त राजभोग अपने नाम कर लो वीरवर। ये सब तो मर चुके हैं युद्ध पूर्व मेरे हाथ से, उन्हें तुम इनका वध करो सुवीर मेरे साथ से। ये सभ्य साची तुम तो मेरी मित्रता के पात्र हो, ये धर्म युद्ध तो है मेरा तुम निमित्त मात्र हो। वो द्रोण भीष्म जयद्रथ वकर्ण से महाबली, अनेक अन्य योद्धा जिनसे पूर्ण है रणस्थली, वो सारे युद्ध पूर्व ही मरण को प्राप्त हो चुके, शरीर विद्यमान है परंतु प्राण खो चुके। अतः तुम उनका वध करो, रहो अकंप अडोल, टूट पड़ो हरिवंश पर श्री हरि की जय बोल। करो पराजित शत्रु को तुम करके संग्राम, धर्म युद्ध का धर्म के पक्ष में हो परिणाम। श्रीमुख से श्री कृष्ण के सत्य वचन सुन सार, कंपित स्वर कर जोड़ कर नमन किया शतबार, नमन किया बहुबार। ऋषिकेश होता जगत हर्षित, श्रवण कर शुभ नाम को अनुरक्त होते जन निरख कर, रूप ललित ललाम को सिद्धों के आप प्रणम्य, यद्यपि तदपि खल भय भीत हैं, इत उत भयाकुल भागते जो धर्म के विपरीत हैं, इत उत भयाकुल भागते जो धर्म के विपरीत हैं। सृष्टा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर नाथ श्री, फिर क्यों न ब्रह्म नमन करे, हे तात श्री विख्यात श्री। देवेश अनंत जगन्निवास, उद्गम है अक्षर है परम, कारण के कारण जगत भौतिक से परे जगदीश्वरम, कारण के कारण जगत भौतिक से परे जगदीश्वरम। सनातन आदि पुरुष इस दृश्य जगत के आश्रय हैं, सर्वज्ञ जानने योग्य
योग्य आप, गुण सर्व आपके परिचय हैं। भौतिक गुण से हैं परे आप, परमाश्रय देव परात्पर हैं। संपूर्ण जगत आप से व्याप्त, चिद रूप अनंत अगोचर हैं। परम नियंता भी जल अनल तथा शशि मंडल हैं। आपादि जीव ब्रह्मा स्वरूप, प्रपितामह अविचल अविकल हैं। अभिनव अपूर्व अत्यद्भुत आनंदकारी अमित अनूपों को शत कोटि नमन पुनि पुनि वंदन। लघु सूक्ष्म विराट स्वरूपों को प्राची से पाश्चात्य से चारों दिशि से नाथ नमस्कार अगणित करूं मैं श्रद्धा के साथ। जग निवास जगनाथ अमित पराक्रम आप में शक्ति असीम अनंत। सर्वव्याप्त सर्वात्मा सर्वेश्वर श्रीकंत अतुलनीय भगवंत। हे परमात्मन आपको अपने मित्र की दृष्टि से मैंने निहारा। केशव यादव कृष्ण सखा के हठ पूर्वक बहु बार पुकारा। महिमा से अनजान था मैं, महिमा से अनजान था मैं। देखा न था दिव्य स्वरूप तुम्हारा, उसको क्षमा करो दोष हुआ जो प्रेम विवश या जड़ता द्वारा। उसको क्षमा करो दोष हुआ जो प्रेम विवश या जड़ता द्वारा। इतना ही नहीं दोष ये मैंने जाने कितनी बार किया है। सोते जगते या विश्राम में सज्जनता का लाभ लिया है। संग में खाते बैठते मैंने, संग में खाते बैठते मैंने तब गरिमा पे ना ध्यान दिया है। मुझसे अनादर होने पर भी प्रेम का नाता तुमने जिया है। मुझसे अनादर होने पर भी प्रेम का नाता तुमने जिया है। अच्युत अविनाशी प्रभो जान मुझे अनजान, मेरे हर अपराध को क्षमा करो भगवान। तुम सब भांति महान। चर और अचर जो गोचर अगोचर हैं, आप उन सब के पिता हैं, कर्णधार हैं। आप हैं परम पूज्य गुरु आध्यात्मिक,
सर्व समृद्ध होके परम उदार हैं। आप हैं अतुल्य कोई आपके समान कहाँ, आपके वचन सारे वेदों का सार है। ज्ञानातीत ध्यानातीत महिमा बखानातीत आप इस पार उस पार हैं अपार हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा हैं पूजन योग्य, निर्गुण सगुण द्विविधि भगवान हैं। कृपा याचना को करूं झुक के प्रणाम, आप त्रिजग में एकमात्र कृपा निधान हैं। ढिठाई पिता दृष्टता मित्र की मित्र सहता है कई इसके प्रमाण हैं। अपराध प्रिय लगे प्रीतम को प्रिया के आप भी तो मेरे प्रिय वर के समान हैं। जगपति जगदाधार मेरी त्रुटियों को सहन कीजे सर्व प्रकार करके नमन स्वीकार। इति पूर्व न देखे विराट का दर्शन कर मैं पुलकित हूँ, आश्चर्य चकित आनंद मग्न हूँ, पर भय से आतंकित हूँ। ए जग निवास अब कृपा करें देवेश दयामृत बरसाएं, वही शांताकार रमा सेवित भगवत स्वरूप पुनि दर्शाए। हे विष्णु विराट रूप धारी प्रभु मंडित सहस भुजाओं से, त्रैलोकों से परिपूर्ण नाथ आच्छादित दसो दिशाओं से, जो रूप चतुर्भुज मुकुट युक्त इच्छुक मैं उसके दर्शन का। शंखोर चक्र पद्मोर गदा हाथों में केंद्र आकर्षण का। श्री भगवान वाच। अर्जुन प्रसन्न हूँ मैंने अंतरंगा शक्ति से, विश्व में परम विश्वरूप दिखलाया केवल तुम्हें। रूप सीम और तेजोमय जग विराट जिसमें निहित, वह आदि रूप पूर्व के प्रकट किया नहीं और पर, तुमसे पूर्व किसी ने भी नहीं देखा इस रूप को। धर्म की किसी क्रिया से भी आए न देखा रूप यह। देख हुए विचलित और मोहित, करता हूँ मैं समाप्त इसे अब, हो न भयाकुल और न चिंतित। हे मेरे भक्त सखा प्रिय बंधु, हे मेरे भक्त सखा प्रिय बंधु,
मूल स्वरूप में होता हूँ मैं स्थित। कर लो उसी आकार का दर्शन जो चिर वांछित और अपेक्षित। कर लो उसी आकार का दर्शन जो चिर वांछित और अपेक्षित। संजय वाज। हरि ने पुनः प्रकट किया दिव्य चतुर्भुज रूप, पुनः दिखाया पार्थ को द्विभुज स्वरूप अनूप। धैर्य दिया जगभूप। अर्जुन उवाच। यह मनुज रूप अतीव सुंदर नाथ पुनः निहार कर। मैं शांत निर्भय हूँ जनार्दन विकल चित्त गया ठहर। प्राकृत अवस्था प्राप्त करके मैं हूँ परमानंद में। बिखरा सजीवन बंध गया स्वर ताल लय मधुचंद में। बिखरा सजीवन बंध गया स्वर ताल लय मधुचंद में। श्री भगवान वाच। जो रूप मेरा दृष्टि गोचर इस समय पर हो रहा वह देखना है चरम दुष्कर। सत्य है मेरा कहा यह रूप सुप्रिय देखने को देव अधिक उतावले। यदि एक झलक मिल जाए तो नर देव मुनि हूँ बावले। यदि एक झलक मिल जाए तो नर देव मुनि हूँ बावले। इन दिव्य दृगों से तुमने पार्थ जिस रूप का दर्शन पाया है वह वेदाध्ययन दान पूजा तप किसी के निकट न आया है। कोई कठिन साधना व्रत आराधना वर्षों वर्ष किए जाए तो भी नहीं संभव रूप अलौकिक के दर्शन ऐसे पाए। जिस रूप में अर्जुन तुम्हारे सामने अब मैं खड़ा उसे देखना उसे जानना उसे मापना दुष्कर बड़ा। वह रूप केवल भक्ति के नयनों से गोचर है सके। मेरी बिना इच्छा दर्श की नहीं कोई क्षमता रखे। मेरी बिना इच्छा दर्स की नहीं कोई क्षमता रखे। केवल भक्ति अनन्य के बल पर पार्थ सुजान मेरे रूप रहस्य का पा सकते हो ज्ञान। हो सकता है भान। व्यक्ति जो सकाम कर्म हो के निष्काम करे मनोधर्म कलमश जिसके न मन में। मेरी शुद्ध भक्ति में ही रहे आठों याम लीन मेरे ही लिए जो कर्म करे जीवन में। मुझ
जी को बना के लक्ष्य मेरी ही दिशा में बढ़े मैत्री भाव सबसे हो जिस महाजन में निसंदेह निश्चित ही करता मुझे वो प्राप्त भेद रहता न कोई नर नारायण में।